गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई चेतना गुप्ता फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला वेलकम यू ऑल टू द बायोलॉजी क्लास स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास इलेवेंथ का चैप्टर फिफ्टींथ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ कंडीशन एंड वट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल ग्रोथ तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफ्रेंसीशन डी डिफ्रेंसी एंड री डिफ्रेंसीएशन प्लांट डेवलपमेंट किसे कहते हैं एंड व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जिन्हें हम प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई और उनके क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर तो लेट अस स्टार्ट आर टॉपिक फर्स्ट इज डिफ्रेंसिएशन अब हमने सबसे पहले देखा था कि प्लांट में रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे कौन से सेल्स होते हैं मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं करेक्ट उनमें कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी नहीं होती अब जब ये मेरिस्टमैटिक सेल्स किस में चेंज हो जाते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डिफ्रेंसीेशन यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इज लॉस्ड और सेल वॉल्स और प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या आ जाते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म Tracheary एलिमेंट्स नेक्स्ट इज डी डिफ्रेंसियन अब क्या होगा जो सेल्स डिफरेंशिएट हो चुके हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी को लूज करेंगे उस फंक्शन को परफॉर्म करने की और वापस से क्या होना शुरू हो जाएंगे डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन एग्जाम्पल क्या है

फिर डी डीडिफ्रेंसीन हुआ अब फिर से एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेंगे वो परफॉर्म करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रीडिफ्रेंसीशन आपको देखिए डायग्राम में नजर आ रहा है एक डिफ्रेंशिएटेड सेल है किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से उसमें क्या हुई डी डीडिफ्रेंसीशन उसकी एक स्टेम सेल लाइक स्टेट आई मतलब अब वो क्या कर सकता है कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकता है तो हमारे उस सेल के तीन फेट हो सकते हैं वो या तो सेल साइकिल ही कंटिन्यू करेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा रीडिफरेंशिएट हो जाएगा मतलब वो फिर से कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट आपको पता है एक प्लांट जो है वो एक सीड से ग्रो करता है प्लांटलेट होता है फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है फिर फ्लावरिंग होती है फ्रूटिंग होती है मेच्योर हो जाता है और अल्टीमेटली क्या हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है तो ये जितने भी स्टेजेस थे ये सब किस में आते हैं प्लांट डेवलपमेंट में इट इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस इट इज़ द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंसीएशन ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसीएशन एक प्लांट ग्रो करेगा मैं सेल्स की वजह से और फिर वो सेल्स पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे तो ये पूरा का पूरा किस में कवर हो जाता है डेवलपमेंट में कवर हो जाता है देखिए फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है एक मेरिस्टमेटिक सेल है सेल डिवीजन हो सकती है उसमें मतलब वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है करेक्ट फिर क्या होगा उसमें डिफ्रेंसीशन होगा डिफ्रेंसिएशन मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा मैच्योर हो जाएगा मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा और अल्टीमेटली सेनेसेंस सेनेसेंस मीन्स अल्टीमेटली क्या हो जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी तो इसी में आगे एक टर्म आती है दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी मतलब कोई एक प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस में या फिर एनवायरमेंट की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाता है दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी आपको देखिए पिक्चर नजर आ रही है इसमें कोरिएंडर के लीव्स हैं एक जुविनाइल फेज में है और दूसरा एडल्ट फेज में तो ये फेजेज में लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेज की वजह से जो कोरिएंडर के लीव्स थे उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर जो हैं वो शो किए दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से दैट इज डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव प्रोड्यूज इन एयर एंड दोज प्रोड्यूज इन वाटर इन बटर कप बटर कप प्लांट में क्या होता है जो फर्स्ट लीव आपको नजर आ रहा है वो कौन से हैबिटाइट में होगा टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट में होगा और जो आपको सेकेंड लीव नजर आ रहा है वो कौन से हैबिटाइट में होगा एक्वाटिक हैबिटाइट में तो जो हमने कॉरियांडर का एग्जाम्पल पढ़ा दैट इज हेट्रोफिली ड्यू टू डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ लेकिन जो बटर कप में हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्लास्टिसिटी ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस नाउ वट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल प्लांट डेवलपमेंट इंटरेंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सट्रेंसिक इंटरनसिक मतलब जो प्लांट के अंदर हैं दैट कैन भी जेनेटिक और दैट कैन भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जिन्हें हम प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं और एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स हमें पता है बहुत सारे हैं टेम्परेचर भी प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट करता है करेक्ट लाइट का भी इफेक्ट होता है वाटर ऑक्सीजन और न्यूट्रिय इन सब चीजों का फैक्टर जो है ये प्लांट की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं दीज आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन ये इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो भी बोलते हैं तो ये इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं एडिनिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं टर्पीन हो सकते हैं या गैसेस तो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड ये ऑक्सिन का एक टाइप होता है ऑक्सिन इज अ प्लांट हॉर्मोन प्यूरिन एपसिसिक एसिड जिबेलिक एसिड एंड इथिलीन ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं अब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उन्हें हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट आर ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को क्या करेंगे प्रमोट करेंगे एंड सेकेंड आर ग्रोथ इनिबिटर्स जो ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे तो ग्रोथ प्रोमोटर्स में तीन हॉर्मोन्स आते हैं फर्स्ट आर ऑक्सजेंस सेकेंड आर जिब्रिल्स एंड थर्ड आर साइटोकाइन अब ग्रोथ इनहिबिटर्स में जो आते हैं फर्स्ट इज एप्सिस एसिड एंड सेकेंड इज इथिलीन नाउ व्हाट आर ग्रोथ प्रोमोटिंग पीजीआर और प्लांट हॉर्मोन्स दीज आर इंक्लूडेड इन सेल डिविजन सेल डिविजन में हेल्प करेंगे सेल की एनलार्जमेंट में क्योंकि ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं पैटर्न फॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर प्लांट है उसमें कोई पैटर्न बनना है फ्लावरिंग में फ्रूटिंग में और सीड फॉर्मेशन में वन हॉर्मोन ऑफन हैज मल्टीपल इफेक्ट्स एक हॉर्मोन के एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं इफेक्ट्स हो सकते हैं और अलग अलग हॉर्मोन्स कम्बाइन करके भी क्या करते हैं अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीजन जिबरिलियइटो नेक्स्ट आर ग्रोथ इन ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये कब काम करेंगे जब प्लांट को कोई वून्ड हो गया है या कोई प्लांट को स्ट्रेस हो गया है किसी भी टाइप का दे प्रमोट ग्रोथ इन हीटिंग एक्टिविटीज ग्रोथ को रोकने वाली एक्टिविटीज को क्या करते हैं ये प्रमोट करते हैं लाइक डॉरमेंसी एंड एबसीशन इसमें हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो कौन से आते हैं एब्सिस एसिड एंड इथिलीन तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर ऑक्सिन्स दे वर डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन चार्ल्स डार्विन के ही सन थे फ्रांसिस डार्विन दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया फ्रॉम द कॉलियाइल ऑफ कैनरी ग्रास एंड दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन कहाँ बनते हैं ऑक्सिन सबसे ज्यादा रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे और इन कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं दे हैव ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज अब ऑक्जेंस जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं वन आर नेचुरल ऑक्जेंट्स दे आर आइसोलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स इनका एग्जाम्पल है इंडोल थ्री एसिटिक एसिड नेक्स्ट आर सिंथेटिक ऑक्जेंस सिंथेटिक मीन्स दीज आर मैन मेड लाइक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड अब इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं प्लांट के ऊपर दे प्रमोट अपाइकल डोमिनेंस मतलब लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेंगे एपेक्स को एपेक्स पे जो भी चीज ग्रो होनी है उसको प्रमोट करते हैं हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा जैसे रोज का प्लांट होता है हम क्या कहते हैं कि हमने उसकी कलम काट दी और क्या कर दिया उसको प्लांट कर दिया तो उसमें से पूरा का पूरा एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है तो वो कौन से हार्मोन की वजह से हुआ ऑक्सिन की वजह से प्रमोट फ्लावरिंग लाइक इन पाइन और क्या प्रमोट कर रहे हैं ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहे हैं किस में पाइन में दे प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि पत्ते या फिर फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं अभी प्लांट पूरा मैच्योर भी नहीं हुआ होता तो ये ऑक्सीजन जो हैं वो उसको रोकने का काम करते हैं दे प्रमोट एबसिशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट अब जो पत्ते पुराने हो गए हैं या जो फ्रूट सड़ गए हैं गल गए हैं उनको झड़ने का ये में क्या करेंगे हेल्प करेंगे दे इंड्यूस पार्थिनो कार्पी इन टोमैटोज क्या होता है टोमैटो का फ्रूट बनना है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये उसको भी इंड्यूस करते हैं यूज एज हर्बिसाइड एज दे किल डायकॉट वीड्स विदाउट एफेक्टिंग मेच्यूर मोनोकॉट प्लांट्स क्या होगा ये डाइकॉट वीड्स को किसी एक पर्टिकुलर आपने एरिया में कोई मोनोकॉट क्रॉप लगाई हुई है लेकिन वहां पे वीड्स कौन से हो गए हैं डाइकॉट तो ऑक्सिन आप यूज करेंगे तो दे विल सेलेक्टिवली किल ओनली डाइकॉट वीड्स विदाउट अफेक्टिंग मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स और उस, इनका क्या इफेक्ट है दे कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन एंड दे ऑल्सो हेल्प इन सेल डिविजन करेक्ट तो ये सब कुछ इफेक्ट्स थे ऑक्सीजन के अब आगे चलते हैं सेकेंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है दैट इज जिबेरेन्स ई क्रोसावर डिस्कवर्ड दिस हार्मोन इन फंगल पैथोजन जिबेरेला वर आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स कहाँ से आइसोलेट किया गया था राइस सीडलिंग्स जो किससे इन्फेक्ट थी एक पर्टिकुलर फनजाइस से इन्फेक्टेड थी आज तक हंड्रेड से भी ज्यादा जिबरेलिन्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं जी ए वन जी ए टू एटसेट्रा नाउ वट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन्स मतलब इनके क्या क्या इफेक्ट हैं प्लांट्स पे दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सेस ऑफ प्लांट ये भी लेंथ को इंक्रीज करेंगे कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलांगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप एप्पल जैसे फ्रूट्स की लेंथ को बढ़ाने में शेप को प्रॉपर फॉर्मेशन देने में प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग इन ब्रूंग इंडस्ट्री अब आप लोगों ने माल्टिंग का प्रोसेस पड़ा होगा तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये उस प्रोसेस को तेज करने का काम करते हैं स्पीड्स ऑफ मैचुरेशन पीरियड लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन क्या होगा जल्दी से सीड बन जाए इसीलिए प्लांट को जल्दी जल्दी मैच्योर करने में ये हेल्प करेंगे नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो है साइटोकाइनिन और मिलर ने इनको डिस्कवर किया था कहा से आइसोलेट हुए थे ये कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से इनके क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं दे इंड्यूस सेल डिविजन सेल डिविजन को प्रमोट करेंगे ये भी सेनेसेंस लीव्स और दूसरे ऑर्गन्स को डिले करते हैं मतलब जल्दी से प्लांट की डेथ ना हो उसमें ये हेल्प करेंगे हेल्प ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, क्या होगा कई बार हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि वो अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है तो मतलब लेंथ इंक्रीज होती जाएगी लेटरल बर्ड्स जो हैं वो ग्रो नहीं होंगे तो साइटोकन उस चीज को रोकते हैं अपाइकल डोमिनेंस को रोकेंगे और लेटरल डोमिनेंस को प्रमोट करेंगे दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स नए पत्ते बनते हैं पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है उसको प्रमोट करते हैं दे प्रमोट न्यूट्रियट मोबिलाईजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीव सेनेसेंस न्यूट्रियट्स की जहाँ जरूरत है ये उनको वहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे जिससे लीव्स की जल्दी जल्दी डेथ ना हो इंक्रीज सेल एक्सपेंशन इन डाइकॉट प्लांट्स सेल्स को एक्सपैंड करने में ये हेल्प करते हैं किसमें डाइकॉट प्लांट्स में तो दीज आर सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइन नेक्स्ट जो हमारा प्लांट हॉर्मोन है दैट इज इथिलीन दीज वर डिस्कवर्ड बाय कजन्स व्हेन अ वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज रिलीज फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस जो संतरे जो हम कहते हैं ना ज्यादा खट्टे या गल गए हैं करेक्ट उनमें से एक वॉलेटाइल सब्सटांस निकल रहा था वो वॉलेटाइल सब्सटांस क्या कर रहा था अनराइप बनानर्स जो अभी केले पके नहीं थे उनकी राइपनिंग को प्रमोट कर रहा था तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये कौन सा हार्मोन है इथिलीन और इसकी नेचर कैसी होती है गैशियस इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एबसिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ये क्योंकि प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है तो ये किसको प्रमोट करेगा डेथ को प्रमोट करेगा पत्तों के झड़ने को फूलों के झड़ने को प्रमोट करेगा ये किसको तोड़ता है सीड और बड डारमेंसी को इट ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी ताकि सीड्स क्या हो सकें जर्मिनेट हो सकें और बर्ड्स क्या हो सकें फ्लार में चेंज हो सकें इट एनहसेज रेस्पिरीशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक अब क्या होगा जब कोई भी एक फ्रूट राइपन हो रहा है तो उस प्रोसेस को तेज करेगा इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक भी बोलते हैं इट इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स इट इलोंगेट्स पिटियोल्स इन डीप वाटर राइस प्लांट्स पिटियोल्स आपको पता है लीफ और स्टेम जहाँ जुड़े हुए होते हैं तो उस डंडी को पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं पिटियोल बोलते हैं तो उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में यह हेल्प करता है इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन दस इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बशन इन प्लांट्स अब क्या होगा क्योंकि रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है रूट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो जितनी ज्यादा रूट हेयर्स बनेंगे उतना प्लांट क्या कर पाएगा वाटर को कर पाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो दीज आर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथिलीन हॉर्मोन और भी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इट इंड्यूसेज फ्लारिंग इन मैंगो इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स दे आर बाय इनक्रीजिंग दील्ड इट इज मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हॉर्मोन दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा होता है इथिलीन होता है द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम इथिलीन को जो कंपाउंड यूज करते हैं दैट इज इथीफोन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथिफोन इज रेडिली एब्जॉर्ब पानी में डिजॉल्व करते हैं उसको वो रेडिली क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है और धीरे धीरे फिर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इथिलीन को रिलीज करता है नाउ लास्ट प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन और प्लांट ग्रोथ इनिबेटर इज एब्सिसिक एसिड 1963 में एडिकॉट और उसके कोवर्कर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम सेवरल एब्सीशन एक्सलरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम कॉटन प्लांट्स इसे हम स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहते हैं क्योंकि क्या कर रहा है ये ये प्लांट्स की टॉलरेंस को इंक्रीज करता है कब जब प्लांट्स के लिए कंडीशंस क्या हैं फेवरेबल नहीं हैं इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तो ये प्लांट ग्रोथ को क्या करता है रोकता है इसीलिए से हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी बोलते हैं अब क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं इट इनिबिट्स सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन को रोकेगा इंड्यूसेस सीड एंड बर्ड डोरमेंसी डोरमेंट कंडीशन में ही रहे सीड और बर्ड उसको इंड्यूस करेगा इट स्टिम्युलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमैटा इन एपिडर्मिस इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी इट हेल्प्स टू विद स्टैंड डेसिकेशन अब देखो क्योंकि इस हार्मोन की वजह से स्टोमेटा क्या हो गए थे क्लोज टोमेटा क्लोज होने का मतलब कौन सा प्रोसेस स्लो हो जाएगा ट्रांसपीरेशन ठीक है तो इसका एक फायदा भी है कि कभी कंडीशन ऐसी हो जाए कि प्लांट को सफिशियंट वाटर नहीं मिल पा रहा तो ये उसको रोकने में भी हेल्प करेगा तो ये थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोटो पीरियोडिज्म फोटो मीन्स लाइट पीरियड मीन्स टाइम तो फोटो पीरियडिज्म क्या है इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड हर एक प्लांट को फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है किसका लाइट की और डार्कनेस की एक रिक्वायरमेंट होती है सम प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट अब हम लोग सोचते हैं कि कि रात की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होता फ्लावरिंग के लिए लाइट और डार्क पीरियड दोनों ही क्या होते हैं असेंशियल होते हैं तो अलग अलग प्लांट को अलग अलग फोटो पीरियड रिक्वायर्ड है उस बेसिस पे प्लांट्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं फर्स्ट आर लॉन्ग डे प्लांट्स नाम से ही पता लग रहा है इन्हें एक्सपोजर ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए होगा प्लांट्स दैट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन टू इंड्यूस फ्लावरिंग करेक्ट तो इसे हम क्या बोलते हैं पी इसे हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स इनका एग्जाम्पल है पी एंड वीट नेक्स्ट क्या है हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स इन्हें लाइट की रिक्वायरमेंट कम है लेस देन द क्रिटिकल पीरियड क्रिटिकल पीरियड क्या मतलब एक मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है तो उससे भी इसको कम की ज़रूरत है लाइट की टू इंड्यूस फ्लावरिंग इनमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे राइस एंड कॉटन नेक्स्ट डे न्यूट्रल प्लांट्स प्लांट्स वेयर देयर इज नो को रिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग तो ऐसे प्लांट्स जिनमें लाइट का ड्यूरेशन और फ्लावरिंग का कोई आपस में लेना देना नहीं है दे आर नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट्स और इनका एग्जाम्पल होता है क्यूकुम्बर और रोज तो ये आपको एक इमेज नजर आ रही है इसमें जो फर्स्ट प्लांट नजर आ रहा है आपको दैट इज लॉन्ग डे प्लांट क्रिटिकल फोटो पीरियड रेड लाइन नजर आ रही है करेक्ट क्रिटिकल फोटो पीरियड से यदि कम होगा बिलो होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी लेकिन क्रिटिकल फोटो पीरियड से यदि ज्यादा हमें लाइट मिलेगी तो क्या हो जाएगी फ्लावरिंग हो जाएगी शॉर्ट डे प्लांट में क्या हो रहा है क्रिटिकल फोटो पीरियड अगर ज्यादा हो जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी लेकिन उससे नीचे ही रहेगा तो क्या होगी फ्लावरिंग होगी डे न्यूट्रल प्लांट्स में क्रिटिकल फोटो पीरियड का कोई लेना देना नहीं है लेंथ ऑफ डे और लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे फ्लावरिंग पे नाउ लास्ट इज वर्नलाइजेशन अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो लाइट पे कैसे डिपेंड करती है ऐसे ही वर्नलाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर टेम्परेचर कम होने से क्या हो जाती है फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है कुछ प्लांट्स में तो इसे हम क्या कहते हैं वर्नलाइजेशन इट prevents प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड एनेबल्स द प्लांट टू हैव sufficient टाइम टू रीच maturity अब क्या होगा hmm. पहले कई बार ही प्लांट्स में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करेगा और प्लांट को अच्छे से मैच्योर होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा एग्जाम्पल है बाइनियल्स और मोनोकॉर् प्लांट्स डेट नॉर्मली फ्लार एंड डाई इन द सेकेंड सीजन लाइक कैबेज सो स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है थैंक यू सो मच